कितना हरियर खेती काटा, कितना गजहरा माटा, कितना छिनारा करा, जंगल में लकड़ी चूरी वाका बेची तो रोटी सहारा। अरे पतावी गरम हो जाए जमाना ना करनी आ भोगित है हमारा खटली बड़ी जोर भाई बाल। अरे कहा कहा तब क्या है अब है प्रधान दरियागा को पूछते रहे अब कहा कि तो हाँ बोझा तू ही के नहीं चलत कवन काम दरियागा को करबो तू। ये भैया हाँ भैया तो बीड़ी पिया पुतो लगाओ कि क्या सुनता है ले भैया मुझे दो तीन जगह अस्पताल गए डॉक्टर दिए के जवाब दे दिया थी लेकिन यही भैया बड़ी नहर में डॉक्टर मिलबो भाई तो कहीं दादा यहाँ पर रोलर चढ़वा देते अब यहाँ पर यह चाय के रोलर नहीं मिल क्या ही भेड़िया फेड़ी न करिया तो भैया चली गई है अब ये चप्पल छोड़ के चली गए एक बार कहा पहन ली यही का इतवार भूखा अपन माला जप दे अब आज हुचकी आवती है बड़ी जोर चली महामंत्री सत्यदेव का आदेश था कि लोग तो किसान के बेटे को छीन करके दरबार में लेकर आओ। महाराज के आने पर इसका फैसला होगा लेकिन नहीं हमेशा बहुत बड़ा जंगल लेकर पहुंच चुका हूं इस पक्ष टाकला टाप कर इसकी जान ले लेगा। जाओ जाओ महाराज के दुश्मन आवाज बंद कर दूंगा बेटा इसी जंगल में तेरा क्या दब कर तेरी जान ले लूंगा। Yeah.
अब तू इन्हें हाथ खाऊंगा, अब कैसे उठी भैया? अरे भैया देखा था क्या हो क्या कब रह रहा है क्या हो पैदा कर क्या लहरी गन्ना जंगल में बहावा था मरा जान के बहा दी से भाई सांस चलत या है चली कहा इनका दहली बाजार में डॉक्टर किया भारती कह दिया हो सकत भगवान जी आ दिए नहीं बरम बाबा हमारा बुढ़ापा से फल हो गया था भैया लेकिन अब पंडित किया जा एक ना पूछे तो दक्षिणा मंगे हैं हमारे लगे भीड़ी पिए के पैसा नहीं ना भैया हम पंडित किया न जाब जैसे जंगल में पावे से एक ना जंगल ही धर दिया बिया हुआ तो कह न पाओ यह लकड़ी वकड़ी तोड़ तार के बेच बात के पुरान पुरान मोबाइल ले दिया वही को पटरिया के लेके भाग ले हमारे लगे दूध नहीं ना पता जगाती जगा चलो प्रेम की भैया राजित राम और पराजित भैया भैया पलिया पलिया ले हमका दस रुपया उसके व्यवहार नहीं और जहाँ कहे पाओ भैया संगे शिकार घर में आ जाओ राजित भाई राम रमेश कुमार यादव जी मेला कमेटी भंडारा अध्यक्ष साहब ये हमारे बाबा हैं जो प्रोग्राम बुक करा के लाए भैया ये 100 रुपया दिया तो है कि जा बेटा तू अपन ऑपरेशन करवा ले डॉक्टर हम डॉक्टर हैं 100 रुपया में बाबा ऑपरेशन हुए कि तो तू ला के का पूछ दियो बाबा इधर मनीराम लकड़हारा अपने ढोकले में बैठा है अपनी बेटी मालती से कुछ बात कर रहा है मनीराम लकड़हारा उसकी बेटी मालती बेटी मालती तुम्हें तो मालूम है कि घर में ये भी दाना नहीं है भोजन कैसे बनेगा हमारा तुम्हारा पेट कैसे बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है
ये पैसा घर नहीं है, मेरी इच्छा है चलो हम जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ लकड़ियाँ काटते हैं और तुम्हें के अपने स्तर पर उठाकर उस लकड़ी को लाकर किसी बाजार में बेचकर हम लोग अपना पेट पानी करेंगे। चिंता मत करो, चले तुम लकड़ी काट देना, मैं अपने स्तर पर उठा लाऊंगी और बाजार से बेच के कुछ राशन पानी दे। आओ चलते चलते उधर महाराज भीष्म शिकार खेलते खेलते बहुत घने जंगल में पहुंचे। मैं बहुत बड़े जंगल में पहुंच चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई शिकार नजर नहीं आया, और आगे चलकर देखता हूँ हो सकता है मुझे शिकार मिल जाए। उस जंगल में एक खोखार शेर निकला, क्या देख रहा हूँ सामने से शेर आए, और हर शेर आज मैं तेरा ही शिकार करूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सामने सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है, चलो उसके पेड़ में हम लोग लकड़ियां काटते हारे के लगी।
मेरे पास।